गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्ट्रा। मई दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी कामगार मजदूरों को दी बधाई, कहा 30 लाख मजदूरों को भरण पोषण भत्ता के साथ 18 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराया गया निःशुल्क खाद्यान्न। सत्यमेव जयते के संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा उपचार ऐप पर करें अपनी बीमारी का रजिस्ट्रेशन, होगा समुचित इलाज। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2020-21 के मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद तथा विगत धान खरीद से संबंधित CMR की डिलीवरी तथा FCI से भुगतान के स्थिति की समीक्षा, लक्ष्य के सापेक्ष गेहूँ खरीद के दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मंडल आयुक्त ने व्यवसायियों, रिक्शा, ऑटो एवं बस चालकों, कृषकों, श्रमिकों, सरकारी कार्मिकों, शिक्षकों, उद्यमियों को विस्तृत प्रशिक्षण के लिए की टीम गठित, 5 मई तक आख्या प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। DM और SSP ने किया गीडा स्थित डेंटल कॉलेज एवं कसरवाल स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण, कहा सभी गाड़ियों की एंट्री के बाद आगे वाली चेक पोस्ट पर किया जाए जांच, नहीं मिले गाड़ी तो करिए तलाश, क्वारंटाइन सेंटर पर रखिए, साफ सफाई पर ध्यान। प्रदेश के ग्राम विकास आयुक्त ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा, कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य कोरोना वॉरियर्स की PPE किट उपलब्ध कराने की संबंधित बैठक, PPE किट के खरीद पर हुई चर्चा। बारिश में बढ़ गई चिड़ियों के कौतूहल, दाना पानी की तलाश में मस्त है चिड़िया, नहीं है दुनिया की परवाह। महिला पुलिस की टीम को खराब मौसम में भी अपने मध्य पाकर झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों के खिलौटे चेहरे जागरूक करने के साथ उनको महिला थाने पर बना खाना भी किया गया वितरित। विषम परिस्थितियों में निपटने के लिए गठित पीटर टीम को SSP ने किया ब्रीफ, कहा रहे चुस्त दुरुस्त जिससे निपटा जा सके किसी भी स्थिति में। दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने बिगाड़ी लोगों की दिनचर्या, आसमान पर काले बादलों के बाद हुई बारिश, गुरुवार को हुए धुंध ने लोगों को किया था बेचैन, शुक्रवार को झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। और शुक्रवार को झमाझम बारिश और पुलिस की मुस्तैदी के कारण महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, ADMCT ने सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।